HDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल जो है उसके जो प्रोटोकॉल में उसका फ्रेम फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी फ्लैग फील्ड, एड्रेस फील्ड, कंट्रोल फील्ड के अलावा वहाँ पर इंफॉर्मेशन और FCS फील्ड भी। हम फ्लैग, एड्रेस और कंट्रोल के बारे में बात कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन फील्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पर जब इंफॉर्मेशन फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो OSI का स्ट्रक्चर है 7 लेयर का, उसमें नेटवर्क लेयर अपने नीचे की लेयर डेटा लिंक लेयर को पूरा डेटा देगी। दैट डेटा इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पैकेट्स कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ्रेम जब फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल, FCS सब ऐड हो जाएगा तो फ्रेम कहलाती है। यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है कि जब हम इस HDLC के फ्रेम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो है कंट्रोल फील्ड के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, देन FCS एंड देन लास्टली अगेन फ्लैग। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मल्टीबाइट इन्फॉर्मेशन होती है, मल्टीबाइट मल्टीपल बिट्स इन्फॉर्मेशन। जब हम इसी इन्फॉर्मेशन को भेज के पिगी बैकिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं तो कंट्रोल फील्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप उस कंट्रोल फील्ड से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फ्रेम आई फ्रेम है, एस फ्रेम है या यू फ्रेम है। जनरली टू वे कम्युनिकेशन में जो आई फ्रेम है जो कि इंफॉर्मेशन फ्रेम है, ये इंफॉर्मेशन फ्रेम का ही फॉर्मेट है जो यहाँ बना हुआ है। इसमें जो कंट्रोल फील्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो पहली बिट है वो जीरो होगी विच विल स्पेसिफाई कि ये जो पूरी फ्रेम है ये इंफॉर्मेशन फ्रेम है, आई फ्रेम है। और अगर हम सेंडर और रिसीवर के कंसेप्ट में बात करें कि हम जब डेटा भेज रहे हैं तो हम पिगी बैकिंग यूज़ करेंगे। उस पिगी बैकिंग में मैं अभी सिर्फ कंट्रोल फील्ड की पहली बिट और बाकी सारी जो बिट्स हैं उसमें जो NS और NR हैं, जिसमें से NS वो पर्टिकुलर बिट्स होती हैं जिसमें कि हम कौन सी फ्रेम सेंट है, भेजी गई है, उसकी इंफॉर्मेशन 3 बिट इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, और NR जो है कौन सी नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड है उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। ये सब कंट्रोल फील्ड में ही आपकी इंफॉर्मेशन आती है आई फ्रेम की, इंफॉर्मेशन फ्रेम की। अगर हम उसको देखें तो हमारे डेटा के साथ साथ ये कंट्रोल फील्ड अलॉन्ग विद एड्रेस, एड्रेस के बाद ये जाएगी, मतलब पहले फ्लैग, एड्रेस, फिर कंट्रोल फील्ड। तो पहली बिट तो जीरो होगी और जीरो स्पेसिफाई करेगी कि कौन सी फ्रेम है, आई फ्रेम है, क्योंकि हम डेटा भेज रहे हैं। ये कब होगा? जब सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले से ही हु विल एक्सेस फर्स्ट द लिंक ये डिसाइड हो चुका होगा, ये रिजॉल्व हो चुका होगा, उसके बाद हम डेटा भेजेंगे। उसकी पहली फ्रेम है, मान लेते हैं इसमें जो भी आप फ्रेम भेज रहे हैं उसका नंबर भी ऐड करना होगा। सो जीरोथ फ्रेम भेज रहे हैं तो उसका नंबर भी कंट्रोल फील्ड में ही ऐड होगा, NS, दैट इज द फ्रेम सेंट, ये NS नंबर है। नाउ अगेन इट विल सेंड पहली बिट जीरो कंट्रोल फील्ड में, डेटा तो अपनी जगह रहेगा, और फिर फ्रेम नंबर दैट इज 1, लाइक वाइज सेकेंड आई फ्रेम भेजी जाएगी। नाउ से कि हमारे पास जो रिसीवर है इट ऑल्सो हैज सम डेटा टू सेंड, अगर इसके पास भी डेटा होगा भेजने के लिए तो ये भी आई फ्रेम को यूज करेगा। माइंड इट कि इंफॉर्मेशन फ्रेम ही दोनों एंड से फ्लो करेगी, यहां से वहां भी और वहां से यहाँ। नाउ द कंट्रोल फील्ड विल हैव द फर्स्ट बिट एज जीरो टू शो कि एक आई फ्रेम है, साथ ही साथ इट विल ऑल्सो गिव एन एक्नोलॉजमेंट एज वेल एज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फ्रेम इट सेंट। तो ये जो भी फ्रेम उसने भेजी तो ये जीरो नंबर की फ्रेम उसने भेजी और एक्नोलॉजमेंट कौन सी फ्रेम का, जीरो और फर्स्ट का। सो द NR, सो दिस इंफॉर्मेशन इज NS, दिस इंफॉर्मेशन इज NR एंड द डेटा फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर, मतलब टर्मिनल टू से टर्मिनल वन, अगर मैं इसको वन और इसको टू कहूँ तो टर्मिनल टू से टर्मिनल वन को भेजा जाने वाला डेटा। सो दिस इज हाउ इन्फॉर्मेशन विल फ्लो इन बोथ द एंड, दोनों एंड से इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी, आई फ्रेम ही ट्रांसमिट होगी। लास्टली अगर मान लेते हैं किसी भी टर्मिनल के पास डेटा खत्म हो जाता है बट इट वॉन्ट्स टू एक्नोलेज द प्रीवियस फ्रेम, सो इट विल यूज एस फ्रेम, वहां पर जाकर वो एस फ्रेम यूज करेगा जिसकी कंट्रोल फील्ड जो होगी कि पहली 2 बिट्स 1 0 होगी एंड द रिसीवर विल गेट टू नो कि ये जो कंट्रोल फील्ड है इसकी फर्स्ट 2 बिट्स 1 0 है, इट मीन्स दिस इज अ सुपरवाइजरी फ्रेम, एस फ्रेम है, इट मीन्स इट विल नॉट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ डेटा। या तो इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी डेटा इन फॉर्म ऑफ दिस NS NR की इन्फॉर्मेशन रहेगी,
या फिर लास्ट में जब किसी के पास भी जिस भी टर्मिनल के पास डेटा खत्म हो जाएगा वो क्या भेजेगा, एस फ्रेम यूज्ड फॉर द एक्नोलेजमेंट। एंड दिस होल प्रोसेस इज व्हाट, पिगी बैकिंग, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर जिसमें कंट्रोल फील्ड में क्या डेटा फील्ड करके जाने वाला है, दैट वी आर लुकिंग हियर। सो इन दिस वे द डेटा एंड एक्नोलेजमेंट विल फ्लो। अब हम इस फील्ड के बाद इंफॉर्मेशन के अलावा सारी फ्रेम्स आई एस और यू सभी में फ्रेम चेक सीक्वेंस, दैट इज हम किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम में अगर एरर चेक करना चाहते हैं वेदर एरर है या नहीं है, सो उसके लिए यहाँ पे फ्रेम चेक सीक्वेंस दिया रहता है। या तो ये 2 byte या 4 byte सीक्वेंस रहेगा, 2 byte 4 byte डेटा रहेगा जो कि मोस्टली सीआरसी दैट इज साइक्लिक कोड रिडंडेंसी रहता है। इसके थ्रू ये पूरी की पूरी जो फील्ड्स हैं इसमें जो इंफॉर्मेशन फील्ड है उसके अंदर का जो अगर डेटा है उसकी एरर चेक की जाती है। इफ़ देर इज एन एरर, इफ 1 इज कन्वर्टेड इनटू 0 और 0 इज कन्वर्टेड इनटू 1 तो सीआरसी के थ्रू चेक की जाती है। और अगर फ्रेम डैमेज्ड है, फ्रेम डैमेज्ड इसका मतलब द इंफॉर्मेशन में है सम बिट्स कन्वर्टेड 1 to 0, 0 to 1, सो वो क्या करेगा, इट कैन आस्क फॉर द रिसीवर कैन आस्क फॉर रिट्रांसमिशन। फॉर रिट्रांसमिशन एनी ऑफ द प्रोटोकॉल कैन बी यूज, आइदर गो बैक टू एन या फिर कौन सा कंसेप्ट यूज करना है डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क, नेटवर्क टू नेटवर्क ये चेंज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट HDLC इंफॉर्मेशन फील्ड एज वेल एज द HDLC FCS दैट इज द फ्रेम चेक सीक्वेंस फील्ड्स।